हेलो दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारी टीके न्यूज़ का एपिसोड नंबर 12 है और आज की हम लोग किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चोट से परेशान इंग्लैंड के तेजपास ने कहा क्रिकेट को अलविदा। आईपीएल के लिए केकेआर के लिए खेल चुके हैं और दोस्तों आज की हम लोग किस वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करने वाले है। दोस्तों वैसे तो आप फोटो से ही समझ गए होंगे कि ये कौन है और अगर आप नहीं जाने तो मैं आपको बता दूं कि यह हैरी कनिंग है और दोस्तों इन्होंने केकेआर के लिए खेल चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो इंग्लैंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैरी कनिंग ने कंधे की चोट के बाद क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। वह काफ़ी समय से चोट से जूझ रहे हैं। आईपीएल में वह कोलकाता नाइट राइडर्स जिसको केकेआर के नाम से जाना जाता है उसके लिए खेल चुके हैं। 34 वर्षीय कनी ने साल 2019 में केकेआर के लिए खेलते हुए 8 मैचों में 7 विकेट लिए थे। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 25 रन देकर 2 विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन था। नॉर्डिक कन्वेंशन में कनी ने 2014 में इंग्लैंड के लिए 10 एक दिवसीय और 2 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले। कनी ने सोशल मीडिया पर रिटायरमेंट की घोषणा की। कंधे की चोट से बैट 20 मैच विटालिटी प्लास यानी जो इंग्लैंड का टूर्नामेंट होता है वो हैरी खेल नहीं पाए थे और कनी ने कहा कि उन्होंने क्रिकेट को 24 साल दिए हैं। उनका सफर बहुत ही बेहतरीन रहा है, वह इसे हमेशा सजो कर रखेंगे। उन्होंने कंधे की चोट से उबरने की कोशिश की लेकिन वह इस बात से दुखी है कि उन्हें अपने करियर को इस कारण ख़त्म करना पड़ा। इंग्लैंड और आईपीएल में खेलना और ब्लास्ट बिग बैश और सीपीएल सहित देश विदेश में 8 ट्रॉफियां जीतना किसी सपने से कम नहीं रहा है। केकेआर ने भी कनी को शुभकामनाएं दी। पिछले साल केकेआर के साथ एक इंटरव्यू में कनी ने कहा था, इडर गार्डन में 70,000 लोगों के सामने खेलना मेरे लिए क्रिकेट और जीवन सबसे अविश्वसनीय अनुभव था। मुझे लगता है कि भारत में खेल के प्रति जुनून और प्यार आईपीएल का सबसे अलग करती है। मैं वास्तव में भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि मैंने इसका अनुभव किया था। कनी ने नॉटिंघमशायर बिग बैश में मेलबर्न के साथ, कैरिबियन प्रीमियर लीग में बारबाडोस के साथ और पाकिस्तान सुपर लीग में कैवेटक के प्रतिनिधि किया है। उन्होंने पेशेवर क्रिकेट में अपने करियर के दौरान सभी फॉर्मेट को मिला के 614 विकेट लेने के बाद क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों ये तो बात कर ली हमने इनके क्रिकेट के संन्यास के बारे में यानी कनी के संन्यास के बारे में। दोस्तों ये सुन के मुझे बहुत दुख लगा कि कनी ने संन्यास ले लिया।